आउट हो जाता है ना, आउट हो जाता है। इसी तरह प्रत्येक आउट होने पर विपक्षी के लिए दूसरे पक्ष को दो अंक मिलते हैं। इस तरह से एक प्लेयर को आउट किया तो टू मार्क्स यानी कि अंक मिलते हैं। खेल की समाप्ति पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पक्ष को विजयी घोषित किया जाता है। जिसके जिसने सबसे अगर प्लेयर को खत्म कर दिया तो वही टीम जो है वो विजयी होती है यानी कि विनर होती है। भारत में कबड्डी का खेल विशेष रूप से लोकप्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा चलन है। यह खेल ताकत और बुद्धिमत्ता का मिला जुला संगम है। गांव में इसको ज्यादा से ज्यादा लोग खेलते हैं और यह खेल जो है वो ताकत और बुद्धिमत्ता का मिला जुला संगम होता है। तो ये था हमारे केवल पढ़ने के लिए। अब आता है लेसन 16 यानी कि इस बुक का अभी और लेसन है, लास्ट लेसन। ओके, लास्ट लेसन पे हम लोग आ गए हैं। लेसन 16 क्या है? हमारा भारत। बच्चों, हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत 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 को और किस नाम से जानते हैं? इंडिया। और हिंदुस्तान। हमें ऐसा लगता है कि शायद भारत ही ऐसा देश है जिसको हम कितने नामों से जानते हैं? हमसे यानी कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। देखिए आप चाहे किसी भी देश को देख लीजिए, उसका नाम जो है उसी देश जो हिंदी में नाम है वही इंग्लिश में भी मिलता है। अमूमन पाकिस्तान, उसको हम और किसी नाम से नहीं जानते। पाकिस्तान पाकिस्तान है, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, किसी में भी लिखे वो पाकिस्तान का पाकिस्तान रहेगा। नेपाल नेपाल रहेगा, बांग्लादेश बांग्लादेश ही लिखते है, है ना? जैसे हाँ ये है रूस, उसको रूस बोलते हैं, उसको इंग्लिश में। चीन, चीन को क्या बोलते हैं? चाइना। उसको चीन से चाइना लिखते हैं। तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो हमारा भारत देश कैसा है? इतना सा है कि इतना सा है, छोटा है कि विशाल है, है? आवाज कट रही आप लोगों की। मैम आपकी भी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। हमारा भारत देश छोटा सा है या विशाल है? विशाल है। विशाल, विशाल का मतलब क्या होता है? मैम बड़ा। बड़ा तो भारत एक विशाल देश है और भारत की कौन कौन सी विशेषताएं? भारत में अनेक विशेषताएं हैं। इतनी विशेषताएं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी भी देश में नहीं होगी,
जो विशेषताएं हमारे भारत देश में है। किसको अभी म्यूजिक का शौक लगा है? जो पाठ है इसमें हमारे भारत देश की प्रमुख विशेषताओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, उसके बारे में ही बताया गया है। ओ माय गॉड, कौन पूछ रहा है? मैं अभी अभी आए हैं। ओके, ये लास्ट पाठ है, लास्ट लेसन है, 16। ओके जी, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भारत एक महान देश है, इसे हिंदुस्तान तथा इंडिया नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। इस देश का नाम भारत पढ़ने पर वैसे तो कई मान्यताएं हैं। इसका इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा इसके बारे में कई एक मान्यताएं हैं, लेकिन एक मुख्य मान्यता के अनुसार भारत देश का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। राजा दुष्यंत के और उनकी जो वाइफ थी यानी कि पत्नी थी वो शकुंतला थी, है ना, और के पुत्र थे जिनका नाम था भरत, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि उन्हीं के भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत था। भारत एक प्राचीन देश है। सबसे प्राचीन देश कौन सा है? वो है हमारा भारत। सबसे प्राचीन देश कोई भी नहीं है। और जो हमारा धर्म है वो सबसे प्राचीन है। आज तक वही चला रहा है हमारा हिंदू। ओके, हड़प्पा जैसी प्राचीन शुरुआत यही से हुई। जो हड़प्पा की सभ्यता पर जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे में, तब आपको जब पढ़ेंगे तब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा हड़प्पा की सभ्यता। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके आगे ये जो चीजें दी गई है कि हड़प्पा की सभ्यता क्या है, ये सब आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तब उसको आप लोग बहुत ही विस्तृत रूप से जान पाएंगे। ये एक सभ्यता थी। इस भारत भूमि पर राम और कृष्ण के अलावा कई महापुरुषों, ज्ञानियों, महान सन्यासियों आदि ने जन्म लिया है। ये भारत है जहाँ पर किसने किसने जन्म लिया? भगवान राम ने लिया, भगवान कृष्ण ने लिया और सन्यासियों ने लिया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने यहाँ पर जन्म लिया, है ना। महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हमारे भारत से ही हुए हैं, है ना। भारत कई संस्कृतियों का केंद्र है। हमारे भारत वर्ष में बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, है ना। वो संस्कृति कौन कौन सी है आगे देखिए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और मिलकर रहते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू भी है, मुस्लिम भी बहुत बहुतायत रूप में है, पारसी भी रहते हैं और सिख लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं यानी कि क्रिश्चियन। ऐसे अन्य समाज, बहुत सारे समाज ऐसे हैं, उन समाज के लोग भी, उस समाज के लोग भी हमारे भारतवर्ष में रहते हैं। और किस तरह से रहते हैं? घुल मिलकर, आपस में भाईचारा और प्रेम से रहते हैं। भारत में कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं जंगल तो कहीं मरुस्थल,
कहीं नदियां तो कहीं समुद्र अपनी छटा बिखेरते हैं। हमारे देश में सब कुछ मिलता है। बहुत सारे देश में आप देखिए ठंड पड़ती है तो ठंड पूरे साल ठंड ही ठंड रहती है, कहीं पर गर्मी होती तो पूरे साल गर्मी होती है, लेकिन हमारे देश में हर एक मौसम आपको देखने को मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं? कौन कौन से मौसम? देखिए यहाँ पर आपको अभी सर्दी का मौसम चल रहा था, कितनी ठंड पड़ी। पहाड़, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, बर्फ भी देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ बर्फबारी हो रही थी तो एक तरफ टेम्परेचर कितना था, 30-35 डिग्री भी था। और वो टेम्परेचर कहाँ था, जहाँ बर्फ गिर रही थी या समुद्र की तरफ, यानी दक्षिण भारत में आपको जिस कश्मीर में बर्फ गिर रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में बर्फ नहीं गिर रही थी, वहां पे गर्मी का मौसम रहता है। हमें मौसम एक साथ हम लोग देख रहे थे, है ना मैम? बर्फ गिरने से है? मैम बर्फ गिरने से क्या होता है? कश्मीर में आपने देखा नहीं कि अभी 7 तारीख को क्या आया है, घटना घटी है उत्तराखंड में। क्या हुआ है? और पानी दोनों का एक तरह से सुनामी आ गई। मैम बर्फ पिघल गई, इसलिए उसका पानी बना। जी हाँ, बर्फ देखिए ठंड होती है तो बर्फ गिरती है, और जब गर्मी पड़ती है तो बर्फ क्या होती है, पिघल जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है ना, बहुत खतरनाक होता है कि क्या पता कब ग्लेशियर पिघल कर नीचे आ जाए, कौन किस तरह की तबाही ला दे। जिस तरह की तबाही, इससे पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब आई थी केदारनाथ में 2013 में एक तबाही आई थी, और उसी तरह से अभी 7 फरवरी 2021 में एक तबाही आई है जिसने सब कुछ बहा दिया, एक डैम को बहा दिया, पता नहीं कितने इंसानों को बहा ले गई, है ना, टूट गई, बहुत नुकसान हो गया बेटा। तो ऐसा हमारा भारत है कि कहीं पे तो बर्फ है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत सारे पहाड़ है, तो कहीं मैदान भी दिखता है, कहीं जंगल ही जंगल दिखता है, कहीं नदियां ही, बहुत सारी नदियां ही है, और कहीं पर मरुस्थल, यानी कि कहीं पर क्या है, रेगिस्तान, और कहीं पे रेगिस्तान है, और कहीं पे समुद्र अपनी छटा बिखेर रहा है, यानी कि कहीं पे समुद्र की हमें देखने को मिलती है, सुंदरता हमें देखने को मिलती है। ऐसा हमारा भारत देश है ना? भारत एक प्रधान देश है। भारत एक प्रधान देश है। अभी आप लोग देख रहे हैं समाचार में कि आजकल क्या मुद्दा चल रहा है। यस मैम, मैं जानती हूँ, वो दिल्ली में किसान ने आंदोलन किया है। जी हाँ, हमारे किसान भाई आज 2-3 महीने से बॉर्डर पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किस चीज का आंदोलन कर रहे हैं कि जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनको वापस ले,
वापस ले ले, वापस ले ले। सरकार कहती आप इसको 6 मंथ आप आजमा करके देखिए, अगर इसमें कोई आपको गड़बड़ी मिलती है तो उसके आगे हम विचार करेंगे। लेकिन किसान ने नहीं वापस ले ली तो न्यूज में आप लोग देखते ही होंगे। जी हाँ, हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान, यानी कि खेती सर्वोपरि है, खेती का प्रधान देश है, कृषि नहीं खेती, तो खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी कि कहते हैं कि यहाँ हमारे भारत देश का जो मुख्य व्यवसाय है यानी व्यापार है वो है खेती। खेती 30% जनसंख्या गांवों में रहती है तथा कृषि कार्य करती है। भारत जो भारत देश है वहाँ की 80% जो जनता है वो गांव में रह करके खेती का काम करती है। अब बताइए कि 20% लोग ही शहरों में रहते हैं, बताइए। भारत देश पर अनेक वर्षों तक विदेशियों ने शासन किया, लेकिन तब भी भारत देश ने अपनी संस्कृति को कायम रखा। हमारे देश यानी कि भारत देश में बहुत सालों से विदेशियों ने शासन किया। पहले कौन थे? पहले हमारा देश तो भारत ही था, भारत के लोग राजा ये लोग शासन करते थे। फिर धीरे धीरे कौन आए? मुगल। मुगल कौन होते हैं? मुसलमान। मुस्लिम, मुस्लिम शासक आए हमारे देश में, घुस आए और उन लोगों ने शासन किया। और उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज, अंग्रेज आए। जी हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो आए थे अंग्रेज, उन लोगों ने हमारे देश पे 200 साल राज किया। 200 साल। जी हाँ, 200 साल। जी हाँ, तो हम जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। अरे हमारे पैदा हुए थे ना जाने। कुल मिला के मुझे लगता है कि आप 10 पीढ़ियां आपकी बीत गई होंगी, उतनी पीढ़ी के बाद हम लोग आए। यस मैम, बहुत पीढ़ी बीत। और क्या, 200 साल कम होता है बताइए? 200 साल वो प्लस अभी जो आजाद हुए कितने साल हो गए, अब देख लीजिए कितने साल हो गए टोटल है। इतने में तो 10-12-15 पीढ़ियां बीत गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब भी हमारे देश की संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए। बहुत कोशिश की उन लोगों ने, मुगलों ने अपनी अपने धर्म को लागू करने का बहुत प्रयत्न किया। बहुत से लोग वो भी गए लालच में, कुछ लोग तो डर के मारे हो गए और कुछ लोगों ने लालच में धर्म स्वीकार कर लिया, दूसरा धर्म। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और दूसरी संस्कृति को नहीं हमको किया। आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है, सिर्फ आगे करने की वजह से, और आगे भी हमेशा जिंदा रहेगी। हमारे धर्म में सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे जो कहना चाहिए कि सबसे मुलायम जो हमारा धर्म है वो हमारा धर्म ही है। तो इसके आगे हम कल देखेंगे, अब टाइम ऑफ हो गया है। ओके, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू फॉर द क्लास। ओके हाँ।